con el pollo Ligoya. आपका सब लोग नहीं है ताकि वरना सोच लीजिए जानते हैं एक बार हमको सरकारी नौकरी मिल गई सर जी एक बार हमको सरकारी नौकरी मिल गई अस्पताल में हफाने का नौकरी डॉक्टर साहब ने कहा बेटा अनुराग अवस्थी हमारे अस्पताल में आना बहुत सारे मरीज पड़े हैं इनको हंसा के जाना एक घंटे का मौका देना हमने कहा ठीक है सर जी सुबह सुबह नहा धो लिए चश्मा टोपी लगा के अस्पताल में चले गए जाकर देखे तो ऐसे ही पूरे मरीज बैठे थे लगे हमने हंसाने इतना हंसाए कि हंसने हंसने तीन मरीज मर गए डॉक्टर साहब ने कहा क्या बे तेरे को हंसाने के लिए बुलाया था कि मुआने के लिए हम कहीं क्या करी साहब हंसावत रही कुल मर गए नौकरी से निकाल दी हमारा डायरेक्ट प्रमोशन हो गया वहां से निकल ली वहां से निकले डायरेक्ट रेलवे ड्राइवर हो गए डायरेक्ट रेलवे ड्राइवर हो गए और दिल्ली से मालगाड़ी लेके फैजाबाद आ रहे थे दिल्ली से मालगाड़ी उठाए फैजाबाद लेके आ रहे थे जब बनारस नकली भैया जब बनारस टाके ने पूरा ट्रेनिया खेते में कूदा दिए सरकार पूछ रही है क्यों गया ऐसा क्यों किया हमने कहा क्या करे साहब रेल की पटरी पर एक भैंस आ गई भैंस कहते अबे बेवकूफ आदमी उसको काट नहीं देता हम कहे साहब वह तो करत रही वो लगल खेते में भागे हम दौड़ा के काटे लगे बेवकूफ आदमी से भेंट हुआ है नौकरी से निकाल दिए वहां से निकले फिर ताज होटल में वेटर का नौकरी पा गए अरे ताज होटल में वेटर का नौकरी पा गए और दो साल लगातार वेटर का काम किया तीसरी साल में एक अंग्रेज चला आया अगर बैठा तो हम जाकर उससे पूछे एक्सक्यूज मी सर आपको क्या चाहिए वो बोलता है व्हाट इज दिस आपके होटल में क्या क्या है हमने कहा सर जी हमारे होटल में बहुत कुछ है आलू पूरी मूली पूरी गोभी पूरी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है दो मिनट और सोचा बोलते सर हर पूरी हमने खाया है वगैरह वगैरह क्या चीज होता है बोलता है गिव मी टेक प्लीज वखेरा वखेरा हम गए ठीक है साहब अभी हम आपको वगैरह वगैरह लेकर आते हैं गए भैया रूम में एक गिलास लाए एक बड़ी सी गिलास लाए बाथरूम में घुस गए एक गिलास चौचक लेकर आए और नींबू नीमक मर्चा ना के पाइप लगाए को दे दिया लगा के तुम सुन 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 खींचते कहते वो कितना टेस्टी है इंडिया का वखेरा वखेरा 500 रुपया दिया वो तो चले गए ये सब कहानी हमारे मैनेजर साहब देख रहे थे वो बोलते इंदिरा बे क्या सर क्या पिलाया उसको हमने कहा साहब उसको वगैरह वगैरह पिलाया ये क्या चीज होता रे हमने कहा साहब किसी आदमी का जूस बोलते हैं बेवकूफ नौकरी से निकाल दिए और हमारी जगह एक लेडीज को धर लिए लेडीज भी एक साल काम की दूसरी साल में वो अंग्रेज फिर चला आया अगर बैठता है लेडीज जाकर पूछती है एक्सक्यूज मी सर आपको क्या चाहिए और अंग्रेज को सिर्फ वगैरह वगैरह घर में जानत रहे तो हमको कुछ नहीं चाहिए इंडिया का और इस होटल का सिर्फ वखेरा वखेरा चाहिए लेडीज बहुत ही घबरा गई कि साला हमने कभी नहीं देखा वगैरह वगैरह बनते हुए जाकर मैनेजर साहब से पूछती है वगैरह वगैरह क्या चीज होता है मैनेजर साहब समझ रहे हैं बस करो वो अंग्रेज चला आया वो अंग्रेज चला आया मैनेजर साहब कुल हमारी कहानी होके बताओ ना हमारे सब कहानी लेडीज को बताएं लेडीज भी एक गिलास ली गई बाथरूम में एक गिलास ली आई पाइप लाकर दे दी लगाए कि जब सुड़ 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 दू हुलू का पी गई ना तो गिलास वाला फेंक के कहता है कितना खराब वगैरह वगैरह चला जब अगली बार का पिया था तो गरम टेस्टी था लेडीज बोले साहब जो अगली बार का पिए थे ना वो नलकूप का था जो इस बार का पी रहे डायरेक्ट कुआं से बीच का पिया